हाय हेलो नमस्ते, मैं दीप्ति आप लोगों को स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद दीप्ति में। आज आप लोगों के साथ मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ विशाल से, कुछ किचन एक्सेसरीज, कुछ मतलब तीन चार बस लाई हूँ, लेकिन वो सब मुझे बहुत ही काम की चीज लगा और मुझे लगा कि ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। मुझे अफोर्डेबल प्राइस में वो सब मिल गया, सोचा कि आप लोगों के साथ वो सब शेयर कर दूँ। मेरी पहला एक्सेसरी है ये रोस्टर, आप देख सकते हैं। हम लोग गैस पर ऐसे रख के, गैस के ऊपर ऐसे रख के हम लोग इस पे बैगन, भिंडी, टमाटर ये सब वगैरह सब कुछ रोस्ट कर सकते हैं। और ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका प्राइस ये 79, इसका प्राइस 79 ही है, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैं दूसरा जो सामान लेकर आई हूँ ये है हमारा स्टीमर। कोई मतलब कुछ चीजों को स्टीम करना होता है, कुछ होता है, तो इसको पानी के ऊपर रख के किसी पतीले में हम लोग स्टीम कर सकते हैं। इसका प्राइस है 29। ये भी मुझे बहुत काम का चीज लगा और इसका प्राइस भी ठीक है मेरे हिसाब से। मैंने थर्ड चीज में ये लंच बॉक्स लेके आई हूँ। ये लंच बॉक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि मुझे स्टील का कोई लंच बॉक्स चाहिए था जो मुझे मिलता नहीं था। कुछ दिन पहले तो मैं ये वाला, इससे स्टील वाला, इससे वाला लंच बॉक्स लेके आई थी, तो फिर वो मतलब इसको कन्वीनियंट नहीं रहा कि वो थोड़ा सा खोलने में दिक्कत होता है उसको, फिर वो लेना छोड़ दिया। फिर कुछ लंच बॉक्स रहता है जैसे उसका बड़ा वाला कंटेनर तो स्टील का अंदर का रहता है, लीड प्लास्टिक का रहता है, उसके बाद जो सब्जी लेने वाला जो रहता है वो वाला भी प्लास्टिक का रहता है, तो फिर कोई फायदा नहीं। गर्म सब्जी तो हमें देना ही है, इसीलिए मुझे ये वाला देखा। ये मैंने इसको खोल रही हूँ, ये देखिए इसको मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसा है, ये उसका सब्जी का है, ये नीचे का स्टील का है, ऊपर प्लास्टिक ढक्कन है उसका। पता नहीं ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, इसमें ग्रेवी वगैरह गिरेगा क्या होगा, मैंने यूज नहीं किया अभी तक, पता नहीं मुझे। और ये अंदर का इतना बड़ा सा है, इसमें रोटी वगैरह दे सकते हैं, अंदर स्टील है इसका, इसलिए मुझे ये बहुत ही पसंद आया। एक स्पून है, एक स्पून कम फॉर्क है। और ये सब्जी, ये लंच बॉक्स का जो प्राइस है ये मुझे इसका प्राइस 225 है और ये मुझे मिला 129 में, 129 रुपए में मिला। इसका प्राइस लिखा हुआ है 225। पता नहीं यूज करने के बाद ये कितना कन्वीनियंट है, क्या है, तभी पता चल सकता है। और ये मैं किचन ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। इसको आप लोग किचन में, स्टडी टेबल में और बाथरूम में भी ब्रश वगैरह रखने के लिए यूज कर सकते हैं। किचन में हम लोग इसको चाकू, चम्मच वगैरह रखने के लिए यूज कर सकते हैं। और बच्चों के लिए हम लोग पेन, पेंसिल वगैरह रखने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस है 99, लेकिन ऑफर प्राइस में ये मुझे 79 में मिला है। इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया, ब्राउन कलर के साथ। ये इसका जो ब्राउन कलर, एकदम लकड़ी जैसा कलर, ये मुझे बहुत पसंद आया, वुडन कलर इसका, इसलिए ये भी मतलब बहुत स्ट्रांग है, ये नहीं कि हल्की है, ये बहुत स्ट्रांग है। बाकी मैं एक छोटा सा ग्लास लेके आई हूँ अपने बेबी के लिए, इसका प्राइस है 22 रुपीस मात्र। और ये एक कटोरी छोटा सा लेके आई हूँ, इसका प्राइस है 49, ये मुझे 49 रुपीस पे मिला है। बस इतना ही, बहुत ही कम चीजों का, मतलब ऐसे घूमने गए थे तो फिर ये कुछ चीजें मुझे पसंद आया जो हम लोग ले आए। अगर आप लोगों को ये सब चीजें खरीदना है तो ये सब चीजों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं ये सब।
अमेजन में ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं, मैं देख रही थी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं।